हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत कम प्रोसेस में जल्दी बन जाती है। आपको अगर बिरयानी खाने का मन कर रहा है और इतना तामझाम नहीं करना है तो ये रेसिपी आपके लिए बनी है। ये रेसिपी बनाने के लिए दो आलू ले लीजिए और दो टुकड़ों में काट लीजिए। बॉइल्ड अंडे ले लीजिए और उसको हल्दी और लाल मिर्च के साथ मैरिनेट कर लीजिए। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए और एक टीस्पून घी ऐड कर दीजिए। अब मैरिनेट किया हुआ आलू को हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब मैरिनेट किए हुए बॉयल अंडे को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, अंडे को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अंडे हार्ड हो जाएंगे। अब गरम तेल में ऐड करेंगे खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, काली और हरी इलायची, लौंग, जावित्री, काली और सफ़ेद मिर्च। खड़े मसाले तरक जाने के बाद लंबे लंबे प्याज को चॉप कर लीजिए और इसको अच्छे से भून लीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद थोड़ा सा आप प्याज अलग से रखिए गार्निश के लिए। अब ऐड कीजिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भून लीजिए। अब ऐड कीजिए हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अब ऐड कीजिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी चीनी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। मसाले भून जाने के बाद एक चॉप किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। सारी इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट तक भून लीजिए। अब ऐड कीजिए चॉप किया हुआ धनिया। मसाले अच्छे से भून जाने के बाद 2 कप धुला हुआ बासमती राइस ऐड कर दीजिए और मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक मसाले और राइस को अच्छे से भून लीजिए। अब ऐड कीजिए 4 कप गरम पानी। ध्यान रखिएगा, पानी हमें राइस के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ 2 कप राइस में 4 कप पानी ऐड किया है। अब ऐड कीजिए फ्राई किया हुआ आलू। अब इंग्रेडिएंट्स को ढक के पका लीजिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अब ऐड कीजिए 1/2 नींबू का रस। अब इसको फिर से 5 मिनट तक ढक के पका लीजिए। राइस हल्का सा बॉयल हो जाने के बाद ऐड कर दीजिए फ्राई किया हुआ अंडा। अब ऐड कीजिए 1 टीस्पून घी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और बरिस्ता। अब हम ऐड करेंगे 2 बूंद मीठा आतर, 1 टीस्पून रोज वाटर और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐड कीजिए चॉप किया हुआ धनिया। अब राइस को धीमी आंच में ढक के पका लीजिए जब तक राइस सॉफ्ट ना हो जाए। एक बिरयानी घर पे बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब
करके हमें और मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।